जीतेगा तो जीतेगा, टेची कासो जीतेगा, टेची कासो जिंदाबाद, 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 जीतेगा तो जीतेगा, टेची कासो जीतेगा। मैं समझता हूं कि इसी थ्रू से जो मेरा एमएलए साहब आपको साथ देगा और यकुम लपंग अच्छा होगा। जैसे अभी मेरा एक आने मानू ने कहा है कि एक ये रखा है पानी, पानी को रखा है, पानी तो सचमुच का बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरा थ्रू से भी वही रिक्वेस्ट करना है, मेरा जो अभी आने वाला एमएलए है, अभी एमएलए होगा आप, उसको अच्छा से देख देना है सर। जैसे इंसान यहाँ में कैपिटल में हम लोग को लेना जरूरी है, क्योंकि ये कभी धर्म को तोड़ फोड़ के कभी भी नहीं रखा है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन, कभी भी ये तोड़ फोड़ के नहीं रखा। हर जनजाति का हर एक का आप लोग को सहयोग देता है सर, इसलिए हम भी आए, क्योंकि ऐसा टाइप ऐसा आदमी को कैसे छोड़ सकता है। आप लोग भी सोचो, हम लोग के ये करोड़पति बनाने के लिए हम लोग को ऐसा नहीं आता, डेवलप देखने के लिए आते, ये डेवलप को नहीं चाहिए बोलते कोई लोग। हम डेवलप होने से आपका हर चीज बिजनेस, आपका दौर बाग काम शाम जॉब मेडिकल ग्राउंड स्कूल एनीथिंग आप लोग को मिलेगा। जब डेवलप नहीं होने से जो सिर्फ इंडिविजुअली दिखेगा बोल के सर ऐसा कमा कमा के रखने से एकदम कमा सकता था, आज ऐसा चप्पल पार के फेंक सकता था। सर जो ऐसा नहीं किया है वो सिर्फ पब्लिक को हम कैसा करके रोड को घुसाना है, कैसा करके ये प्रोटेक्शन देना है, कैसा करके स्कूल चलाना है, कैसा करके मेडिकल के ये करना है, हर दो जगह जगह पे गली गली पे सार का काम को आप लोग देख चुका है। उसको देख के आप लोग सोचता है नहीं मुझे पैसा नहीं मिलने से भी मैं जरूर सार के लिए मैं काम करेगा। आप सभी से दरखास्त करूंगा, इस समय एक इलेक्शन का एक हवा है और यही इलेक्शन का हवा में बहुत से नेता ऐसा है, हम ये दे दूंगा वो दे दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन करने और देने और बोलने में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इन लोग का बात तो आप लोग सुन चुका होगा, देख चुका होगा, और इस समय में हमने सुना वहाँ बिना बतरा वहाँ पैसा दे रहा है, वहाँ पैसा दे रहा है। दोस्तों आप सभी से हमारा एक, आप सभी मेरा माता है, बहन है, भाई है, ये छोटा छोटा पैसा का लालच में मत जाइए। मेरा कहने का मतलब किसी बेटी का सामने में किसी बाप का कलर पकड़ने से वो बेटी क्या होगा, क्या सोचेगा? किसी माँ का सामने में किसी बेटा, किसी माँ को उसका बेटा का सामने में किसी ने बेइज्जती करेगा तो उस समय क्या हाल होगा? इसीलिए आप सभी को मैं आगाह करता हूँ, ये सब में लालच में मत जाइए। आप लोग को अगर बीमार होगा, बहुत दुख तकलीफ होगा, मैं जीता हूँ, इलेक्शन तो कल चला जाएगा, 11 तारीख तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद आपको अगर बहुत तकलीफ है, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको कुछ करना है, कोई बीमार हो गया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएगा, मैं आपको शेयर करूंगा, वो इलेक्शन का नाम में हम शेयर नहीं करेगा। जब तक जिंदा रहेगा हम जो चीज मेरा पास होगा हम मदद करेगा। आज भी मैं दावा करता हूं, हम आप सभी ने अगर हमें एक बार और मौका देगा और इस ईटानगर को जहां रोड यहां कालवत यहां दरिन जो हमसे जो थोड़ा बहुत बच गया, हम कम से कम 30-40% तक तो हम काम करके ही रखा है। अगर हमको इस साल इस अगर 5 साल और मौका देगा, हम 100% तो नहीं बोल सकता है, हम 70% तक दरिन कालवत रोड को 70% तक इस 5 साल में हमने बनाने का कोशिश करेगा, ये मैं वादा करता हूँ।